हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिबन्स की थ्योरम कवर किया था। अब हम टेक्निकल प्रोग्रेस देखेंगे, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस होते हैं। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, देन कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, किस तरीके के डिफरेंट टेक्निकल प्रोग्रेस होते हैं और उनका VPF कैसे देन चेंज होता है वो हम देखेंगे आज के इस वाले वीडियो में। Several empirical studies have indicated the most of the increase in the real per capita income in the industrial nation is due to technical progress. तो जितना भी real per capita increase होता है, यानी real per capita increase क्या होता है, per capita income आपको पता है कि per person कितना income है। अगर समझो 100 रुपये हैं overall national income और 50 लोग हैं, पूरे nation में 50 लोग हैं और overall national income GNI जो नेशन का है वो 100 रुपये है नेशनल इनकम, तो फिर पर पर्सन कितना हो गया, 2 रुपीज़ हो गया पर पर्सन पर कैपिटा इनकम। तो रियल पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे प्राइसेस से, इन्फ्लेशन रेट से या प्राइस से, तो आपको पर कैपिटा रियल पर कैपिटा इनकम पता चलेगा। तो ये रियल पर कैपिटा इनकम कब इंक्रीज़ होता है, जब टेक्निकल प्रोग्रेस आता है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो नेशन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। हाउएवर द एनालिसिस ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द एनालिसिस ऑफ फैक्टर ग्रोथ बिकॉज देर आर सेवरल डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। लेकिन टेक्निकल प्रोग्रेस, जैसे हमने फैक्टर ग्रोथ को समझा, अगर लेबर डबल हो गया तो आउटपुट कैसे चेंज होगा या कैपिटल डबल हो गया तो आउटपुट कैसे चेंज होगा, तो वो बहुत इजी था समझने में। लेकिन टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस आ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। उसी के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। एंड दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ आइदर और बोथ कमोडिटी, और वो किसी एक कमोडिटी में भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो सकता है। देखो, लेबर इंक्रीज़ हुआ तो लेबर ओवरऑल नेशन के लिए इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल प्रोग्रेस जो होगा, वो टेक्निकल प्रोग्रेस किसी एक इंडस्ट्री में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पूरे नेशन के लिए हो, राइट? तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए। फॉर आर पर्पस द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस आर दोज एडवांस बाय जॉन हिक्स द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हु शेयर्ड द 1972 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स में लिए जाते हैं, वो 3 लोगों के हैं, सोलो टेक्निकल प्रोग्रेस, हेरोड टेक्निकल प्रोग्रेस एंड हिक्स या हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस। ये 3 लोगों ने अपने अपने तरीके से टेक्निकल प्रोग्रेस दिए हैं। किसी ने कुछ चीज़ कांस्टेंट रखी है, किसी ने कुछ चीज़ कांस्टेंट रखी है। इन्होंने क्या कांस्टेंट रखा है वो अब हम देखेंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने टेक्निकल प्रोग्रेस कैसे बताया है वो देखेंगे। इन्होंने हिक्सियन ने के बाय एल रेशियो, आप देख सकते हो के बाय एल रेशियो कांस्टेंट रखा है। हेरोड ने जो है वो इफ आई एम नॉट राइट के बाय ओ रेशियो, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रखा है, और सोलो ने लेबर टू आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रखा है। आप चेक कर सकते हो ये दोनों का डिफरेंट हो सकता है, मोस्टली तो यही है लेबर टू आउटपुट रेशियो, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। तो ये चीज़ें कांस्टेंट रख के उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि कब हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, कब हेरोड टेक्निकल प्रोग्रेस या कब सॉरी उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली है कि ये कांस्टेंट रख के कब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस होगा, लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगा या कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगा। हमें सिर्फ हिक्स का देखना है, यानी कैपिटल टू लेबर रेशियो कांस्टेंट। इन सेक्शन 7.3A वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस। इन सेक्शन 7.3B वी देन एग्जामिन द इफेक्ट दैट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस हैव ऑन नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर। तो इस वाले 7.3A में हम लोग देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, और 7.3B में हम देखेंगे कि उनका इफेक्ट प्रोडक्शन फ्रंटियर में क्या होता है। थ्रू आउट आर डिस्कशन वी विल अज्यूम कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा थ्रू आउट
बिफोर एंड आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस. तो बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस भी कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस भी कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा. आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस एंड दैट टेक्निकल प्रोग्रेस अकर्स इन अ वंस एंड फॉर ऑल फैशन. तो एक ही बार होगा. न्यूट्रल टेक्निक, न्यूट्रल लेबर सेविंग एंड कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस. टेक्निकल प्रोग्रेस इज यूजुअली क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, न्यूट्रल लेबर सेविंग एंड कैपिटल सेविंग. ऑल टेक्निकल प्रोग्रेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ बोथ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. देखो एक चीज़ समझ लो, कोई भी हो, टेक्निकल प्रोग्रेस एक चीज़ करता ही है, वो इनपुट्स जो है, जो कि लेबर एंड कैपिटल हमारे केस में है, उसको कम यूज़ करके टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से. टेक्निकल प्रोग्रेस जब आपका वर्ड आ जाता है ना, तो उसका मतलब ये है कि हम कैसे लेबर और कैपिटल का कम यूज़ करके आउटपुट को बढ़ा सकें. कोई अच्छा टेक्निकल प्रोग्रेस लेके आओ, जैसे अगर कहें कि पहले मुझे ना शायद ज़्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, बार बार मैं पिज्ज़ा का ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना, खा लेना पिज्ज़ा. तो अगर पहले पिज्ज़ा हम लोग तवे पे बनाते हैं, उसमें अगर कोई टेक्निकल प्रोग्रेस हम लेके आए, कोई एक प्रोग्रेस लेके आए कि अवन लेके आए, तो अवन में पिज्ज़ा बनाने के लिए मतलब वो लेबर कम यूज़ करेगा, राइट. तो ऐसा टेक्निकल प्रोग्रेस, कुछ आपके जो प्रोग्रेस है, आप प्रोडक्शन प्रोसेस जो कर रहे हो, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ नया टेक्निक लाओ जिससे बहुत जल्दी और अच्छे से काम हो और साथ ही साथ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसके साथ लेबर और कैपिटल का कम यूटिलाइजेशन हो. तो आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा चेंज करो. तो टेक्निकल प्रोग्रेस दोनों लेबर एंड कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, उनका यूज़ कम कर देता है एंड आउटपुट लेवल को बढ़ा देता है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस स्पेसिफाई हाउ दिस टेक्स प्लेस. ओके, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन सेम प्रपोर्शन. यानी लेबर का प्रोडक्टिविटी 20% से इंक्रीज हुआ है, 20% से इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल का भी प्रोडक्टिविटी 20% से इंक्रीज होगा. दोनों का प्रोडक्टिविटी सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा, सो दैट के बाय एल रेशियो रिमेन्स द सेम आफ्टर द न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस. यानी के बाय, देखो ये दोनों का प्रोडक्टिविटी सेम इंक्रीज होना चाहिए ताकि बाद में भी के बाय एल रेशियो सेम रहे, ठीक है. तो इसका मतलब है न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, के बाय एल रेशियो सेम प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एल एंड के. सेम प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एल एंड के remains the same after neutral technical progress as it was before at unchanged relative factor prices. Relative factor prices भी constant रहनी चाहिए, W upon R भी constant होना चाहिए, very very important. तो W upon R भी आपका unchanged होना चाहिए. अगर आपका productivity दोनों का same proportion से बढ़ रहा है, और देखो W अपॉन R एंड K अपॉन L सेम है आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस, और दोनों का प्रोडक्टिविटी L का और K का सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, आपका न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस. विथ अनचेंज W अपॉन R देर इज़ नो सब्सटीट्यूशन ऑफ L फॉर K और K फॉर L, वाइस वर्सा मतलब K फॉर L इन प्रोडक्शन, सो दैट कैपिटल लेबर रिमेन्स अनचेंज. तो जब W अपॉन R अनचेंज्ड है, सेम है आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस, और उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है L को K के जगह पर, यानी यूज़ करो ऐसा नहीं कि L को ज़्यादा यूज़ करो K के जगह पर,
के को ज़्यादा यूज़ करो एल के जगह पर, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, एल फॉर के सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो उसको के बाय एल रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कब ये कांस्टेंट रहेगा? जब आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे के को एल से या एल को के से। ठीक है, ऑल दैट हैपेंस इज दैट अ गिवन आउटपुट कैन नाउ बी प्रोड्यूस विथ लेस एल एंड लेस के। तो अब कम लेबर एंड कम कैपिटल यूज़ करके ये सारी चीज़ें होती है। एंड देन देखो एक चीज़ जान लो, डब्ल्यू अपॉन आर आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं कि आप यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे लेबर है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्वियसली, या इसका ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम रहेगा, बट हम फॉर इंस्टेंट ले सकते हैं कि इनका स्लोप डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ ऐसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्लोप डिफरेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट एल फॉर के का मतलब क्या है कि आप एल को घटा दो के को बढ़ा दो, यानी एल के जगह पर अब आप लेबर के जगह पर कैपिटल यूज़ करो। आप फर्स्ट पॉइंट इधर थे, अब आप इधर जा रहे हो, एल को कम कर रहे हो के को बढ़ा रहे हो। ठीक है, या वाइस वर्सा, के को कम करके एल को, ये आप पॉइंट्स पे चेंज नहीं हो रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, डब्ल्यू और आर या के बाय एल कब कांस्टेंट रहेगा? जब आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो एल को के से एंड के को एल से। डबल हुआ है दोनों का, एल एंड के का प्रोडक्टिविटी डबल हुआ है, लेकिन दोनों का सेम प्रोपोर्शन से डबल हुआ है, इस वजह से 20%। देखो के बाय एल अगर मैं लिखूं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी दोनों का डबल होने के वजह से के बाय एल रेशियो भी कांस्टेंट होना चाहिए। जब कांस्टेंट है आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस, तो आपका न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो लेबर एंड कैपिटल को लेस यूज़ कर रहा है। या आप जब ग्राफ हम देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। देखो लेबर सेविंग क्या होता है कि आप जो टेक्निकल प्रोग्रेस लाए हो, जो नया प्रोग्रेस लाए हो टेक्नोलॉजी में, वो लेबर को कम यूज़ कर रहा है, वो लेबर का कम यूज़ कर रहा है। कम यूज़ लेबर का कर रहा है मतलब क्या, कैपिटल का प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। ठीक है, सो उसका मतलब है कैपिटल का प्रोडक्टिविटी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ा पा रहा है देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एज अ रिजल्ट के इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एल, तो इसके वजह से के को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एल से इन प्रोडक्शन, एंड के बाय एल राइजेस एट अनचेंज डब्ल्यू अपॉन आर। तो आपका डब्ल्यू अपॉन आर, जब दो सिचुएशन हमने समझ ली, डब्ल्यू अपॉन आर जब कांस्टेंट है और इसमें जब कैपिटल बाय लेबर रेशियो सेम रहेगा आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस, ये न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, जब डब्ल्यू अपॉन आर कांस्टेंट है और जब के बाय एल रेशियो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ये लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, क्योंकि कैपिटल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इस वजह से कैपिटल को सब्स्टिट्यूट। देखो आप मुझे बोलोगे मैम कैपिटल का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेबर तो कम हो रहा है ना, लेबर सेविंग है, लेबर कम हो रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ऑब्वियस है, लेबर सेविंग है, लेबर कम हो रहा है, लेबर कम हो रहा है, तो के बाय एल अगर मैं लिखती हूँ ये कम होगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, राइट। और साथ ही साथ कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है, जब कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है तो कैपिटल को आप सब्स्टिट्यूट करोगे विथ लेबर। ठीक है, तो के बाय एल रेशियो राइज होगा द
with unchanged W upon R. Since more capital is used per unit of labor, this type of technical progress is called labor saving. अब ज़्यादा capital use कर रहे हो compared to the per unit labor. पहले per labor, एक labor के लिए दो capital की ज़रूरत थी, लेकिन अब after technical progress एक labor के लिए चार capital काफ़ी है, चार capital का utilization हो रहा है. तो पर लेबर कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये टेक्निकल प्रोग्रेस लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है. आई होप आपको क्लियर होगा. नोट दैट अ गिवन आउटपुट कैन नाउ बी प्रोड्यूस विथ फ्यूअर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल बट विथ हायर कैपिटल बाय लेबर रेशियो. देखो अब जो आउटपुट है वो आउटपुट कैपिटल एंड लेबर दोनों कम यूज़ होगा, उसमें दोनों कम यूज़ होगा, लेकिन जो कैपिटल बाय लेबर रेशियो है वो हायर हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि पहले समझो कैपिटल बाय लेबर रेशियो जो था वो 2:1 था, यानी एक लेबर के लिए दो कैपिटल की ज़रूरत थी. ठीक है, और कितने लेबर थे, 10 लेबर थे और 20 कैपिटल थे. ठीक है, अब जो कि आया है वो है टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद कैपिटल बाय लेबर रेशियो 4:1 हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल एक लेबर के लिए चार कैपिटल यूज़ होगा, लेकिन अब डबल से कम यूज़ होगा लेबर एंड कैपिटल, यानी 15 लेबर एंड इंटू 4 कर दीजिए तो 60 कैपिटल यूज़ होगा. तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि अब लेबर एंड कैपिटल कम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ चुका है. पर लेबर के लिए कैपिटल अब ज़्यादा चाहिए. आप इस तरीके से, मैंने ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिया है, मैं डिलीट कर देती हूँ. के बाय एल रेशियो था 2:1 एंड व्हाट आई रोट 10 लेबर 20 कैपिटल यूज़ हो रहा था. अब टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद के बाय एल रेशियो होगा 4:1. आप ऐसे लिख सकते हो, अब सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं 8 लेबर एंड 24 कैपिटल. तो कम कैपिटल एंड लेबर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ जाएगा आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस. दोनों फ्यूअर यूनिट्स होंगे, ठीक है, दोनों के लेबर एंड कैपिटल के जो यूनिट्स होंगे वो कम यूज़ होंगे अब टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद. कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है उसमें कैपिटल कम लेबर ज़्यादा यूज़ होगा, तो इंक्रीजेस लेबर ज़्यादा यूज़ होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगा. प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर सॉरी इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्रोपोर्शनेटली मोर देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. तो इस वजह से क्या होगा, लेबर को सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा कैपिटल से इन द प्रोडक्शन एंड एल बाय के राइजेस. अब एल बाय के राइजेस का मतलब क्या है, के बाय एल फॉल होगा, ठीक है, एल बाय के राइज हो जाएगा तो के बाय एल फॉल होगा. के बाय एल फॉल होगा तो किस जगह पर डब्ल्यू अपॉन आर कॉन्स्टेंट रहेगा. तो तीन चीज़ें हमने जो देखी, डब्ल्यू अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, ये तीनों सिचुएशन में कॉन्स्टेंट है. जब के बाय एल सेम है आफ्टर टेक्निकल प्रोग्रेस तो वो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है. के बाय एल इंक्रीज हो रहा है तो वो लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, और के बाय एल फॉल हो रहा है तो वो कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है. आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना, दैट्स इट. अब हम जब ग्राफ से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. सिंस मोर लेबर इज़ यूज पर यूनिट ऑफ कैपिटल, अब एक कैपिटल के लिए जो के बाय एल है वो समझो 2:1 था, यानी एक लेबर को दो कैपिटल की ज़रूरत थी. अब जो के बाय एल है वो 2:4 है, यानी
चार लेबर को दो कैपिटल की ज़रूरत है अब, तो मोर लेबर इज़ यूज पर यूनिट ऑफ कैपिटल। एक कैपिटल के लिए अब जो लेबर की ज़रूरत है वो ज़्यादा है। दिस टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ कॉल्ड कैपिटल सेविंग। इधर कैपिटल सेव हो रहा है, एक कैपिटल को पहले कम लेबर की ज़रूरत थी, अब ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, लेकिन कैपिटल एक ही है, तो इसका मतलब कैपिटल सेविंग है। नोट दैट द गिवन आउटपुट कैन नाउ बी प्रोड्यूस विथ फ्यूअर यूनिट्स ऑफ एल एंड के, और के नहीं लिखा है, दोनों लेबर एंड कैपिटल अब कम यूज़ होंगे, बट हायर एल बाय के या लोअर कैपिटल टू लेबर रेशियो। द अपेंडिक्स टू दिस चैप्टर गिव्स रिगरस ग्राफिकल इंटरप्रटेशन ऑफ हिक्सियन डेफिनेशन। तो अगर आपको ग्राफिकल देखना है एक्सप्लेनेशन हिक्सियन टेक्निकल प्रोग्रेस का, तो आप अपेंडिक्स में देख सकते हो। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड नेशंस प्रोडक्शन फ्रंटियर पे क्या इफेक्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी होगा ये समझने के लिए, तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।